गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आई एम मोहम्मद तालिब लेक्चर ऑफ इंग्लिश श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज मंडी धनोरा अमरोहा स्टूडेंट वी आर डूइंग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्टूडेंट हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्पैक्टिव सेंटेंसेस कर रहे हैं कि कैसे इम्पैक्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाए। कल मैंने इसके रूल्स बताए थे और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे इम्पैक्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो एक्सरसाइज देखिएगा। सबसे पहले सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉय गिव मी योर बुक। टीचर सेड टू द बॉय गिव मी योर बुक। टीचर ने बॉय से कहा गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने बॉय से कहा गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। टीचर ने बॉय से कहा मुझे अपनी किताब दो। अब देखिए, टीचर अथॉरिटी है, बड़ा है लड़के से, तो वो ओल्डर करेगा क्योंकि पास्ट में है, तो ओल्डर की सेकेंड फॉर्म ओल्डर्ड हो जाएगी। और इसे आप टू को टू से जोड़ना है, इसे आपको टू से जोड़ना, जहाँ आप डेट लगाते थे या इफ लगाते थे या वेदर लगाते थे या क्वेश्चन वर्ड लगाते थे, इसे आप सिर्फ टू से जोड़ना है। तो देखिए, द टीचर, अब क्योंकि टीचर ने ऑर्डर दिया है लड़के को, द टीचर ऑर्डर्ड, सेकंड फॉर्म में ऑर्डर की, ऑर्डर्ड द बॉय, और टू से जोड़ दिया है टू गिव हिम हिज बुक। अब देखिए हिम कहाँ से आया, क्योंकि मी है। बाकी रूल वैसे ही फॉलो होंगे जैसे आप असर्टिव में प्रोनाउन चेंज करते थे या इंटरप्रेटिव में प्रोनाउन चेंज करते थे, बाकी रूल वैसे ही होंगे। बस यहाँ आपको जो है देखना है कि ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर करना है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करना है, और इसे टू से जोड़ना है। तो देखिए ये हिम कैसे आया, आप ये क्या है कि मी, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। पहले ही बता चुका हूँ कि सेट टू से पहले जो लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है, या वर्क से पहले जो लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्क के बाद जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या सेट टू के बाद जो लिखा होता है वर्ब होता है। तो मी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है, टीचर, और टीचर के लिए हम ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि वर्ग के बाद में आ रहा है तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, हिज हो जाएगा। अब यू देखिए, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट कौन है, लड़का लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये पजेसिव फॉर्म है तो ही की पजेसिव फॉर्म क्या होगी, हिज बुक। The teacher ordered the boy to give him his book. Okay, pehla ho gaya. Agla dekhiye. The police said to the boy, keep his training. Police ne ladke ko kaha keep his training. Ab police authority hai, ladke se badhegi to order karegi. The police ordered the boy to se joda to keep his training. Khade rehne ke liye. Police ne order kiya ladke ko khade rehne ke liye. The police ordered the boy to keep his training. Ye ho gaya. Agla dekhiye. The thirsty woman, thirsty means प्यासी, the thirsty woman जो प्यासी महिला थी, said to the child, उसने child से कहा, बच्चे से कहा, क्या कहा, please give me a glass of water, कृपया मुझे एक glass पानी दो। अब देखिए please लगा हुआ है, तो यानी कि महिला ने request की है, तो यहाँ आप requested कर दोगे said to की जगह। The thirsty woman requested the child, प्यासी महिला ने request की child से, आप टू से जोड़ दोगे क्योंकि please आप already request में change कर चुके हैं, तो आप यहाँ गिफ्ट से, गिफ्ट से पहले टू लगाएंगे टू गिव। अब देखिए मी आ रहा है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट कौन है, थर्स्टी वुमन है, महिला, वो महिला के लिए शी लगाते हैं, लेकिन क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है तो वर्ब के बाद में प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो शी का हर हो जाएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर। द थर्स्टी वुमन रिक्वेस्टेड द चाइल्ड टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, प्यासी महिला ने चाइल्ड से कहा उसे एक ग्लास पानी देने के लिए। अगला देखिए, द ब्लाइंड लेडी सेड टू द बॉय, जो अंधी महिला थी उसने बॉय से कहा, लड़के से कहा, क्या कहा, काइंडली लीड मी टू द राइट वे, कृपया मुझे सही रास्ते पर ले जाओ। द ब्लाइंड लेडी सेड टू द बॉय, अब काइंडली लगा हुआ है, काइंडली बिल्कुल प्लीज की तरह होता है, यानी कि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की है, तो रिक्वेस्ट को आप सेट टू लिखा है, सेट टू को आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर काइंडली है, बिल्कुल प्लीज की तरह है, जैसे प्लीज को आप रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं वैसे यहाँ चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड। तो देखिए, द ब्लाइंड लेडी, जो अंधी महिला थी, रिक्वेस्टेड द बॉय, उसने रिक्वेस्ट की बॉय से, लड़के से, और टू से पहले, वर्ब से पहले टू लीड। अब देखिए मी आ रहा है, मी क्या, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को महिला, महिला के लिए हम लगाते हैं हर, महिला के लिए शी, लेकिन क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है तो हर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद में प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो शी का हर टू द राइट वे। द ओल्ड, द ब्लाइंड लेडी रिक्वेस्टेड द बॉय
जो अंधी महिला थी उसने रिक्वेस्ट की बॉय से लड़के से टू लीड हर टू द राइट वे कि उसे सही रास्ते पर ले जाए। अगला देखिए माय टीचर सेड राहुल लीव द रूम। मेरे टीचर ने कहा राहुल से कि कमरा छोड़ दो। अब टीचर है तो ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड राहुल टू लीव द रूम। अगला देखिए माय फ्रेंड सेड टू मी मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन इज नियर मेहनत करो क्योंकि एग्जामिनेशन करीब है। अब दोस्त है सलाह दे रहा है तो सलाह के लिए हम कहते हैं एडवाइज्ड और टू से जोड़ देंगे माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी। अब टू से जोड़ा टू वर्क हार्ड एज क्योंकि एग्जामिनेशन इज आर एम का पास्ट होता है वॉज वर तो यहाँ इज है तो वॉज हो जाएगा वॉज नियर। माय फ्रेंड एडवाइज मी टू वर्क हार्ड एग्जामिनेशन वॉज नियर। अगला देखिए द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। अब कैप्टन है बड़ी अथॉरिटी जब बड़ी अथॉरिटी होती है तो कमांड शब्द यूज करते हैं आदेश देना द कैप्टन कमांडेड द आर्मी टू से जोड़ देंगे टू मार्च फॉरवर्ड। कैप्टन ने आर्मी को आदेश किया आगे बढ़ने के लिए। अगला देखिए द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा मरीज से कहा बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट अपने डाइट के प्रति अपने खाने के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाइए सावधान हो जाइए। तो डॉक्टर एडवाइज्ड सलाह दे रहा है तो आप एडवाइज्ड कर दोगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हिज डाइट। डॉक्टर एडवाइज्ड डॉक्टर ने एडवाइस दी सलाह दी पेशेंट को टू बी वेरी केयरफुल बहुत केयरफुल होने के लिए अबाउट हिज डाइट अपने डाइट के प्रति। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।